दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। कॉमनवेल्थ खेल जो थे इंग्लैंड में समाप्त हो चुके हैं और इन कॉमनवेल्थ खेलों में भारत का बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा। जैसा आप सभी जानते हैं, यह खेल इंग्लैंड के बर्मिंघम में 28 जुलाई से 8 अगस्त तक हुए। इन खेलों का जो शुभंकर था वो पेरी द बुल था। पेरी बुल जो था शुभंकर था। भारतीय दल के जो ध्वजवाहक थे ओपनिंग सेरेमनी में, वे पीवी सिंधु और हॉकी टीम के कैप्टन थे। क्लोजिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक जो थे वह बॉक्सिंग की निखत जरीन और टेबल टेनिस के शरद कमल थे। दोस्तों इन कॉमनवेल्थ खेलों में भारत ने चौथे स्थान पर फिनिश किया। वह 22 स्वर्ण और 16 रजत और 23 कांस्य के साथ 61 कुल पदकों के साथ चौथे स्थान पर उसने फिनिश किया। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने प्रथम, इंग्लैंड ने द्वितीय, कनाडा ने तीसरे स्थान पर फिनिश किया। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। किन किन भारतीय खिलाड़ियों ने इन कॉमनवेल्थ खेलों में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है? तो सबसे पहले जो सबसे पहला गोल्ड मेडल आया था वह वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने दिलाया था। दूसरा मेडल जर्मी लाल रेडुंगा ने दिलाया था, ये भी वेट लिफ्टर थे। और तीसरा गोल्ड मेडल जो था वो अचिंता सेवली ने दिलाया था, ये भी वेट लिफ्टर थे। एक वेट लिफ्टर और थे सुधीर, जो पैरा खिलाड़ी थे और उन्होंने भी भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। महिलाओं ने पहली बार लॉन बॉल, जो लॉन्स बॉल है, उसके टीम इवेंट्स में भारत के लिए गोल्ड मेडल दिलाया। टेबल टेनिस में पुरुषों की टीम ने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। मिक्स डबल में शरत और श्रीजा की जोड़ी ने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता और सिंगल में शरत कमल ने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। कुश्ती की अगर बात करते हैं तो पहली बार भारत ने इन कॉमनवेल्थ खेलों में 6 पदक जीते। बजरंग पुनिया ने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। साक्षी मलिक ने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। दीपक पुनिया ने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। रवि दहिया ने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। विनेश फोगाट्स ने गोल्ड मेडल जीता और नवीन ने भी भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। टेबल टेनिस में जो पैरा खिलाड़ी थी हमारी भावनाबेन पटेल, इन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। तो दो खिलाड़ी ऐसे थे, पैरा खिलाड़ी थे, जिन्होंने भारत के लिए मेडल जीता था। पहले वेटलिफ्टिंग में सुधीर और टेबल टेनिस में भावनाबेन भाई पटेल ने। बॉक्सिंग में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले 3 खिलाड़ी थे। नीतू सिंह, नीतू ने गोल्ड मेडल लिए निकाला। अमित पंघाल ने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता और निखत जरीन ने भी भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। एथलेटिक्स की बात करते हैं तो एथलेटिक्स में ट्रिपल जंप में पहली बार भारत ने गोल्ड मेडल जीता और इस गोल्ड मेडल को दिलाने वाले थे एल्डाउस पॉल। एल्डाउस पॉल ने भारत के लिए एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीता। बैडमिंटन में भारत के लिए गोल्ड मेडल वाले जीतने वाले जो खिलाड़ी थी वो पीवी सिंधु ने सिंगल्स में गोल्ड मेडल जीता। लक्ष्य सेन ने सिंगल्स मेंस इवेंट्स में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने डबल्स में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। तो कुल मिलाकर भारत ने 22 गोल्ड मेडल इन कॉमनवेल्थ खेलों में जीते। तो ये 22 खिलाड़ियों की जो लिस्ट है आपके पास है और बहुत परीक्षा उपयोगी है, आप देखिए और दूसरों को आपसे शेयर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।